एक ज्ञानी है तो वह भी अपनी अशांति में जीता है, एक अज्ञानी है तो वह भी अपनी अशांति का निर्माण खुद अपने हाथों से कर लिया करता है। सारी दुनिया जो भाग रही है वह शांति के लिए भाग रही है। हर व्यक्ति सोचता है कि जीवन में शांति हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, लोगों को देखो, वातावरण को देखो, आज की परिस्थिति को देखो, तो आदमी मरघट तक शांत नहीं हो पाता है। मालूम है क्यों कहते हैं? जब आदमी मर जाता है कि अब ये शांत हो गया, उसके पहले तो उपद्रव ही करते रहता है। मरने के बाद कहा जाता है कि अब ये शांत आदमी शांत हो गया है। और एक और मजे की बात है, कभी किसी आदमी से जीते जी बोल के देखना कि तुम शांत हो जाओ। ध्यान रखना, पहाड़ खड़ा कर देगा वो जीवन में कि मैं शांत क्यों हो जाऊं, तू शांत हो जा। और आदमी भागता शांति के पीछे। मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं कि मरने के बाद शांत हुए तो क्या शांत हुए? जिंदगी तो वह है जो जीते जी शांत हो जाया करती है, उसका नाम जीवन हुआ करता है। जो शांत हो जाए वह शांत हो जाया करता है, और जो अशांत होता है वो अशांत हुआ करता है। ध्यान रखिए, संत कौन है? भेष बदलने का नाम संत नहीं हुआ करता है, रूप बदलने का नाम संत नहीं हुआ करता है। जो भीतर के शांति के वन में विचरण किया करता है, दुनिया में वो संत कह करके पूजा जाता है। संतों को किस बात की अशांति है? जहां शांत हो जाओ वहीं संतत्व है। ध्यान रखना, आदमी अशांत है, भाग रहा है। एक गरीब सोचता है कि मैं लाखपति हो जाऊं, लाखपति सोचता है मैं करोड़पति हो जाऊं, करोड़पति सोचता है मैं अरबपति हो जाऊं, अरबपति सोचता है मैं खरबपति हो जाऊं, और आदमी ये सोचता है कि मैं दुनिया का मालिक बन जाऊं। ध्यान रखना, सम्राट सिकंदर जब इस धरती को जीतने के लिए आया, विश्व विजेता बनने के स्वप्न लेकर के आया, जब वह यूनान से यहां पर आया तो उसने किसी ने सम्राट सिकंदर से कहा कि भारत जा रहे हो, जाओ कुछ लेकर के आना या ना आना, भारत का अध्यात्म लेकर के जरूर आना। भारत की संपदा ला सको या ना ला सको, भारत से हीरे मोती सोने चांदी बटोर करके ला पाओ या ना ला पाओ, हे सम्राट सिकंदर जा रहे हो तो भारत से अध्यात्म लेकर के आना। और जब भारत से लौट करके सम्राट सिकंदर जाने लगे तो उन्हें याद आया कि किसी ने मुझसे कहा था कि भारत से लौटो तो अध्यात्म लेकर के लौटना। अध्यात्म कैसे लेकर के जाऊं? एक जंगल से गुजर रहा है सम्राट सिकंदर, एक झरने के नीचे कल्याण मुनिराज विराजमान है। ठंडी के दिन थे, बड़े आराम से लेटे हुए हैं झरने के पास, धूप सेंक रहे हैं। सिकंदर के लोग पहुंचे, उन्होंने कहा चलो, तुम्हें हमारे सम्राट सिकंदर ने बुलाया है। भारत का संत कहता है हमारे सिकंदर तो हम ही हुआ करते हैं, हमारे दूसरा कोई सिकंदर नहीं हुआ करता। कौन सिकंदर बुला रहा है? हमारे तो दो ही सिकंदर हैं। अरे जब तक धरती में है तब तक हम सिकंदर हैं, और हमारे ऊपर कोई है तो ऊपर वाला सिकंदर हुआ करता है। और क्यों हमारा सिकंदर? बड़ा अजीब लगा उसे। उसने कहा जानते नहीं हो, सिकंदर तुमको दंड देगा। बोले दंड से हम डरते कम हैं। बोले क्या दंड देगा? बोले मृत्यु दंड देगा। तो बोले भारत का आदमी, भारत का व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरा करता है। ध्यान रखिए, मौत से नहीं डरा करते हैं। मौत तो आना ही आनी है, एक दिन तो सबको मृत्यु आएगी। जाओ सिकंदर से कहो कि मृत्यु हमारी दास हुआ करती है, हम मृत्यु के दास नहीं हुआ करते। बड़ी बात लगी, सिकंदर को बुलाया। सिकंदर कहा मैं खुद चलता हूं मिलने को। सिकंदर आया घोड़े पर बैठ करके। सिकंदर ने कहा हे संत चलो हमारे साथ। संत ने कहा किसको आदेश दे रहे हो? ये हुकूमत अपनी दुनिया में दिखाना, हमारे दरबार में हुकूमत नहीं चला करती है। संत ने कहा, सिकंदर ने कहा हमें नहीं जानते। बोले नहीं, क्या तू अपने को जानता है? सिकंदर के हाथ से तलवार गिर गई। क्या तू अपने को जानता है? मैं अपने को नहीं जानता। क्या कर रहा है तू? बोले विश्व विजेता बन रहा हूं। क्यों बन रहा है?
पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा, पूरी दुनिया पे अपना राज्य करूंगा, एक छत राज होगा पूरी धरती पर। सम्राट सिकंदर, जरा ये बता, एक छत राज करके तू करेगा क्या? बोले पूरी दुनिया का मालिक, सारा इतिहास मुझे विश्व विजेता करके याद करेगा। तो बोले उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, पूरी दुनिया जीत लेगा फिर क्या करेगा? बोले फिर क्या करना है, सारी जगत का सम्राट, पृथ्वी का अधिपति बन जाऊंगा, फिर क्या करेगा? बोले फिर आराम से रहूंगा। बोले फिर क्या करेगा? बोले फिर क्या करना, फिर शांति से जीऊंगा। अरे पागल, जब शांति से ही जीना है तो ये मार धाड़ क्यों कर रहा है? आ मेरे साथ बैठ, दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं है, यदि शांति की जरूरत है दुनिया को मत जीत पागल, अपने आप को जो जीत लेता है वो दुनिया का विश्व विजेता बन जाया करता है। आ मेरे साथ बैठ, अपने को जीत और शांति का अनुभव कर, ध्यान रखना। आदमी चाहता शांति है लेकिन भागता अशांति के पीछे है, ध्यान रखना। कहां होता है आदमी शांत? एक बात याद रखना, जीते जी शांत हो जाओ। जो लोग मर जाते हैं उनकी शांति की प्रार्थनाएं होती हैं। क्यों होती हैं? दुनिया क्यों प्रार्थना करती है? जानती है कि जिंदगी भर तो शांत रहा नहीं है, अभी भगवान इसे शांत कर दे तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं ऐसा जीवन जियो कि दुनिया को तुम्हारी शांति की प्रार्थना की जरूरत ही ना पड़े, अपना जीवन स्वयं शांत बना करके जाओ। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, दुनिया की प्रार्थनाओं से तुम्हें शांति भी मिलने वाली नहीं है। ये सब बेकार की प्रार्थनाएं हैं, ये लोग प्रार्थना करते हैं, ये मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों से टकरा करके वापस लौट आती है, परमात्मा तक नहीं पहुंचा करती है। जिंदगी अशांत जी है और शांति की बात किया करते हो। मान्यवर, एक बात अपने जीवन में याद रखना कि यदि मन में अशांति हो ना तो कितने भी सुख के साधन हो वो खाने को दौड़ा करते हैं। ये महल भी खाने को दौड़ा करता है, ये महल भी किसी वीरानी से कमजोर नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, धन दौलत के ढेर लगा लेना और मन में शांति नहीं तो दौलत तुम्हें चिढ़ाया करती है कि देख किसके लिए तूने सब बटोरा है, वो तेरी किस्मत में हासिल नहीं है। कितनी भी सम्मान मिल जाए, छल फरेबों में मिले हुए सम्मान से शांति नहीं मिला करती है। मान्यवर, मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं, यदि हमारा जीवन शांत है तो हजारों लोग हमारे आसपास होंगे, और शांत जीवन नहीं है तो तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे आसपास नहीं होंगे। एक बात हमेशा स्मरण में रखना, जो भी व्यक्ति बैठता है ना, छायादार वृक्ष के नीचे बैठता है, ठूंठ के नीचे कौन जाकर के बैठा करता है? जिसमें पत्र ना हो, पुष्प ना हो, उस वृक्ष के नीचे कौन जाकर के बैठा करता है? आओ अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास करो। क्या हवस के पीछे आदमी भागता है, ये चाहिए, वो चाहिए और चाहिए, आदमी का मन तृप्त होता ही नहीं है, मांगते जाता है मांगते जाता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कितना नादान है ये आदमी, कितना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। कितना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। और प्यास बुझती है दो बूंद पानी से, हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। ध्यान रखना, समुंदर के पीछे पड़ा है। मन को संभालने का प्रयास करो। मेरी सभा में आए हो, रात दिन मकान संभालने का चिंतन है, रात दिन व्यापार संभालने का चिंता है, 24 घंटे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा? ए नादान आदमी, आज पुलक सागर तुझसे कहता है कि व्यापार की चिंता मत कर, तेरे मरने के बाद बच्चे संभाल लेंगे, ध्यान रखना। ज्यादा टेंशन मत ले, ज्यादा लोड मत ले कि मेरा क्या होगा, व्यापार की चिंता मत कर, मरने के बाद बच्चे संभाल लेंगे। घर की चिंता मत कर, मरने के बाद परिवार उसे संभाल लेगा। अरे चिंता अपनी कर कि तेरे मरने के बाद तुझे कौन संभालने वाला इस धरती पर है, वहां कोई ना होगा, ध्यान रखना। मरने के बाद यदि संभालना है तो खुद को ही अपने आप को संभालना पड़ेगा, ध्यान रखिए। ये जितना भी बटोरा है, ध्यान रखना, जोड़ कर रख लो, चाहे कितने भी हीरे मोती, जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं, सब कुछ छूटे। तुम्हें कौन संभालेगा, कभी ध्यान किया है?
मुझे संभालने वाला कौन इस धरती पर, खुद को ही संभालना पड़ेगा। ध्यान रखना, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, व्यापार मेरा है, यह व्यवहारिक सत्य है, ध्यान रखना। लेकिन वास्तविक सत्य तो कहता है कि शरीर भी तेरा नहीं है, ध्यान रखना। व्यवहारिक सत्य अलग चीज होती है और वास्तविक सच्चाई कुछ और हुआ करती है, ध्यान रखना। एक आदमी आए, उन्होंने कहा महाराज हमारा औरंगाबाद कैसा लगा? अरे मैंने कहा तेरा औरंगाबाद, तू यहां का महापौर है, क्या है, मुख्यमंत्री है कि राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है, तेरा औरंगाबाद कहाँ से हो गया? बोले नहीं हमारा औरंगाबाद। मैंने कहा नादान, तेरा तो शरीर भी नहीं हुआ करता है, औरंगाबाद तेरा कहाँ से हो जाएगा? कौन किसका होता इस जमाने में, ध्यान रखी। आदमी ऐसे ही जीता है, मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा मेरा करके मरता है। बकरी जो म्यों म्यों करे अपनी खाल खिंचाए, ओ मैना जो मैना कहे दूध भात निज खाए, ध्यान रखिए। मैना कहती मैं नहीं, जो है तो वो तू है, मैं ना, बकरी कहती मैं, बकरी जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए, ध्यान रखिए। ज्यादा मैं करके जिंदगी को मत जियो, दूसरों के लिए जियो। आज हमारे सिख भाई यहाँ पर पधारे हैं, मालूम है कितने हैं? 13 लोग आए, मैं यहाँ देख रहा था 13 लोग हैं। मैंने कहा 14 क्यों नहीं आए, 12 क्यों नहीं आए, 13 क्यों आए हैं? और बड़ा सुंदर दरबार लग रहा था, दरबार इतना खूबसूरत लग रहा था यहाँ से। तुम्हें कैसा लग रहा था मुझे नहीं मालूम, तुम्हें तो अपना घरवार ही अच्छा नहीं लगता तो दरबार क्या खाक अच्छा लगेगा। बड़ा सुंदर दरबार लग रहा था, दरबार भी दरबार नहीं, सब सरदार था, ध्यान रखना, विचार करिए। मान्यवर 13 लोग आए, नानक दुकान पर बैठे व्यापार कर रहे हैं, दुकान पर बैठे। पिता ने कहा कि नानक जाओ, जीवन जीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, जीवन का कुछ तो जीवन का आधार होना चाहिए। नानक ने कहा आधार होना चाहिए? बोले हाँ। बोले क्या आधार होना चाहिए? बोले कुछ तो आधार जीवन का होना चाहिए, जाओ व्यापार करो, बैठ जाओ, जो आता नानक कहते सामान तुम्हारा है लेकर के चले जाओ, जो पैसा देना है दे करके चले जाओ, नहीं देना है मत दो, देना है तो। नानक के यहाँ भीड़ लग गई, दरबार भर गया उनका, जो भी आता अपना उठाओ, अपनी क्वालिटी देखो। आज के जैसे लोग थोड़ी थे कि दिखाएं कुछ और पकड़ाएं कुछ, ध्यान रखना। उन्होंने कहा आओ आओ लेकर के जाओ, जो ले जाना है, मैं तो अपनी मस्ती में हूं, मैं तो अपने आनंद में जिया करता हूं। लेकर के जा रहे हैं नानक के पास, नानक से किसी ने कहा हमें कोई सामान तौल करके दे दो। नानक तौल रहे हैं, बोले रेट बता दो। नानक ना सामान को एक तराजू में तोल रहे हैं, बोले कितने का है, क्या रेट होगा, क्या पैसा होगा। नानक तोले जा रहे हैं, उत्तर कुछ नहीं दे रहे हैं। बोले 1, 2, 3, 4 गिनती करते जा रहे हैं, ये 4 किलो हो गया, ये 5 किलो हो गया। अरे उसने कहा नानक रुको, हमें कितना चाहिए ये तो पूछ लो। अरे बोले चुप रहे, जो दे रहा हूं लेते जा। तराजू में चढ़ाए जा रहे हैं। 10 किलो हो गया, 11 किलो हो गया, 12 किलो हो गया, 13 किलो हो गया, कांटा बीच में आ गया, ध्यान रखना। नानक ने कहा बस अब रुक जा। बोले कि नानक मुझे 13 किलो नहीं चाहिए। बोले ले जा। बोले क्यों? बोले जो कुछ है सो तेरा है, दुनिया में क्या मेरा है, ध्यान रखना। ये 13 किलो तेरा ही है, आज भी 13 आए हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर जो कुछ है वह तेरा है, नानक अनासक्त जीवन जीते। मेरा है क्या इस जगत में, मैं लाया क्या हूं इस जगत में? बोले कि नानक देव ये कैसे ले जाऊं मैं? बोले मेरा है ही नहीं, मुझसे पूछ मत, जो भी है वह तेरा है, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है। आप ये मत सोचो कि बहुत सी दौलत, बहुत सी संपदा, बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ी दुकान, बहुत गाड़ियां, बहुत हमारे पास नौकर चाकर हो, वही जिंदगी हुआ करती है। वो भी नहीं मान्यवर, एक जिंदगी ऐसी भी हुआ करती है, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, एक सेठ था,
क्या करूं, सेठों की समाज में हूं तो सेठों की बात करना पड़ती है। जैन समाज तो सेठों का समाज है, जानता करना। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। सेठों के पेट बड़े होते हैं, ध्यान रखना। पेट बड़ा तो सेठ। सचिन भाई, इससे पता चलता कि सेठ है। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। पेट क्या था? इंडिया गेट था। एक बात याद रखना, दिल्ली में जाके देखना, इंडिया गेट कभी नहीं भरता है। चलाते लोग आते जाते जाते जाते, वो खाली का खाली रिहा करता है। दुनिया में दो पेट कभी नहीं भरते हैं, एक सेठ का। मैं आपसे जो निवेदन करने जा रहा हूँ, एक तो याद रखना, एक जो हुआ करता है वह यमराज का पेट कभी नहीं भरता है। अनंत काल से ना जाने कितनों को खा गया, लेकिन यमराज का पेट खाली का खाली रहा करता है। ध्यान रखिए, यमराज का पेट कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता। कितने मुर्दे जल गए, कितने दफन हो गए, यमराज का पेट खाली का खाली। मान्यवर, मैं आज यमराज के पेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ सेठ के पेट की बात कर रहा हूं। और एक बात और याद रखना, तन के पेट को भरना बहुत आसान है, मन के पेट को भरना बहुत मुश्किल का काम हुआ करता है। तन का पेट कितना खाता है, कितना लेगा विनोद भाई? चार रोटी में 14, 40, कितना खाएगा? दो, अभी से दो विशाल। आदमी चार रोटी खाएगा, 14 रोटी खाएगा, 40 रोटी खाएगा, पेट तो जवाब देगा ना कि बस 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 बस, अब कर, अब नहीं चाहिए। ध्यान रखना, तन का पेट भरना आसान है, मन का पेट भरना बहुत मुश्किल है। तन का पेट 4, 14, 40 रोटी में भर जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया की संपदा भी डाल दो तो मन का पेट भरने वाला नहीं है, वो हमेशा खाली का खाली रहा करता है। मन के पेट को भरना बहुत मुश्किल का काम है।